वहीं चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार अवैध वसूली कर रहा है। वसूली के इस खेल में महिला अधिकारी भी पीछे नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। जिला परिवहन विभाग की एक महिला अधिकारी आज दोपहर को अपने कुछ कर्मचारियों के साथ निम्बाहेड़ा मार्ग पर ओछरी टोल बूथ के आगे दो निजी वाहनों में अपने साथियों के साथ पहुंची और वहां से गुजरने वाले ट्रकों से वसूली करना शुरू कर दिया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया। उसी समय चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या वहां से गुजर रहे थे। अवैध वसूली करते देख विधायक आक्या महिला अधिकारी के पास पहुंच गए और ट्रक चालकों से मामले की जानकारी ली, जिस पर ट्रक चालकों ने अवैध वसूली की जानकारी दी है। इस पर विधायक आक्या ने परिवहन अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद महिला परिवहन अधिकारी और उसके मातहत बेशर्मी के साथ वहां से निकल गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा में भी स्थानीय विधायक ने भी इस तरह एक महिला अधिकारी को अवैध वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा था। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे पर यह अवैध वसूली का खेल चल रहा है और इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो सामने आई। हम लोगों में भी मैडम